साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों अभी मैं खड़ा हूं ग्राम पंचायत कवास में। विधानसभा चुनाव है, बाड़मेर विधानसभा है कवास। तो यहां पर एक चाय की थड़ी पे बैठा हूं, कुछ युवा बैठे अपने साथ, विधानसभा चुनाव को लेकर युवाओं से चर्चा करेंगे, कुछ जानकारी लेते हैं। क्या माहौल है कवास का, कैसा रहेगा माहौल बाड़मेर से, बाड़मेर विधानसभा से भाजपा कांग्रेस राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी और अलग निर्दलीय भी खड़े होंगे, तो इन युवाओं से बात करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। क्या नाम सर? नमस्कार, क्या नाम है आपका? ठाकुरराम जी, विधानसभा चुनाव है अब की बार, आपके स्क्वाड क्षेत्र से क्या माहौल रहेगा? माहौल यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का है। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी आरएलपी है, कांग्रेस है, आरएलपी है, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक तो टिकट की घोषणा नहीं की है। टिकट की घोषणा करनी बाकी है, लेकिन टिकट की घोषणा जल्दी होगी, लेकिन जल्दी टिकट मिलेगा और हम पार्टी ने प्रियंका जी को टिकट नहीं दी तो बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ, तो किसका माहौल है फिर? कांग्रेस का है। तो प्रियंका जी पिछले कितने सालों से प्रयास कर रहे हैं? यहाँ से 15 साल, मेरे को याद है 15 साल से प्रियंका जी नहीं। यहाँ बड़े बड़े ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर यहाँ प्रियंका जी आएंगे और वोट मांगेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पे शिक्षा का है। हमारे गांव में बांद्रा में जब तक 4-5 स्कूल है उसमें टीचर नहीं, एक एक टीचर है, और लाइट कनेक्शन नहीं है अभी तक। ये 3-4 स्कूल में आपको बता सकता हूँ नाम लेके, कांग्रेस सरकार ने खंभे लगा दिए हैं, लाइट कनेक्शन नहीं है। और हमारे यहाँ से पुराना नागड़ा रोड जाती है, वो रोड देख लो आप, खड्डे पड़े हैं, 4-4 फुट की रोड रही है और बाजू में सब खड्डे पड़े पड़े। 5 साल तक बाड़मेर के विधायक, पिछले 15 सालों से बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन है, तो क्या 15 सालों से कोई स्कूलों के गड्ढे अड्डे भरे ही नहीं है? नहीं, नहीं, हमने तो देखे नहीं। तो आप कभी गांव के लोग वहां गए नहीं कि हम वोट दे रहे? आपने पहले किसको वोट दिए थे? हमने तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया शुरू से ही, इसलिए तो आपके काम नहीं हुए। कांग्रेस तो कह रही है कि पूरे राजस्थान में विकास की लहर चली है। नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो चली नहीं, और कहीं चली होगी तो देखिए, हमने तो देखी नहीं। आपके क्षेत्र में लहर नहीं चली? नहीं चली। चलो इनसे बात करते हैं, क्या नाम है सर आपका? नाम हनुमान है। हनुमान जी कहाँ के रहने वाले हो आप? माडुपुरा बरवाला के हो है। क्या माहौल है कांग्रेस बीजेपी आरएलपी का, तीनों का? कांग्रेस का तो कुछ माहौल है नहीं, हम वैसे बीजेपी को, प्रियंका जी को टिकट मिली तो बीजेपी को वोट करेंगे, और नहीं तो फिर आरएलपी को। मतलब आरएलपी, बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी में आप इनको प्रियंका जी को टिकट नहीं मिली तो फिर आप? तो हम आरएलपी को सपोर्ट करेंगे, आरएलपी को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस को, कांग्रेस ने यहाँ पे देख लो 15 साल से ये सड़क है, ये देख लो आपने, अभी देखो ऐसी कैसी पड़ी है, ये सड़क बनी और टूट गई, 2 महीनों के अंदर अभी बनाई है, 15 साल से 2 महीने हुए बनाई हुई, और अभी टूट गई, फिर भी बारिश में हुई नहीं, ऐसे ही टूट गई। बड़े मुद्दे कौन से आपके क्षेत्र के? शिक्षा का है, सड़कों का है, बिजली का है, खंभे बड़े हैं लेकिन लाइट की केबल तो है नहीं। ऐसी कितनी ऐसी छोटे छोटे या कौन से राजस्व गांव है जिन पर आज भी लाइट नहीं? डुंडा बांद्रा है, इनमें काफी घरों में मतलब लाइट है ही नहीं है, अंधेरे में बैठे लोग, अंधेरे में बैठे। तो कभी लोग गए नहीं एमएलए के पास? गए, बहुत चक्कर काटे हैं वहाँ पे, कलेक्ट्रेट जाके आए, एमएलए साहब के पास में जाके आए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। एमएलए साहब ने क्या कहा? हाँ कराते हैं, पता नहीं कब होगा। तो उन्होंने कहा नहीं कि अब 5 साल बाद वापिस वोट आ रहे हैं आपका? अभी अभी इधर उधर घूम रहे हैं, करवा रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ डाल दिया है। हाँ, बाकी कुछ नहीं, ये देख लो इलेक्शन के टाइम है तो थोड़ा बहुत तो करेंगे। शिक्षा को लेकर यहाँ क्या माहौल है? शिक्षा को लेकर यहाँ पे बहुत पीछे है, नई स्कूलों में एक एक मास्टर है, 10वीं स्कूल है उनमें 1-2 मास्टर है। एक मुझे बात बताओ, पूरे बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा मुद्दा है तो सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का मुद्दा। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं 1-1 किलोमीटर तक पानी लेने के लिए जाती है, तो कौन क्षेत्र का क्या हाल है? हमारा भी वही हाल है, 1-1, 2-2 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। मेवाराम जी ने तो कहा मैंने ट्यूबवेल, हैंडपम्प,
कई सारे दिए हैं। जो मेवाराम जी के बंदे खास है उनको दिए होंगे, हमारे को कुछ फायदा नहीं मिला मेवाराम जी की तरफ से। जहाँ ट्यूबवेल खुदाया वो सबसे ज्यादा खारा पड़ गया। यहाँ पे पांच कवास के नजदीक ट्यूबवेल खुदाई, पांच ही बाबा इधर आओ, बाबा बाबा से बात करते हैं। ठीक है, बताना क्या नाम है आपका? नाना राम जी, राम राम। कयो गांव थारो? चित्र का पार। तो हमके की करे, माहौल केड़ो है? बढ़िया है। केड़ो है? चार बजे। तो ये मतलब थारो रो थारो की करे, मन किया है? कांग्रेस है गांव में पड़ा मैं, कई के वोट में गया, कोई के भैया भाजपा में गया। थारो मन के दे मां गंबोत्र में कांग्रेस में है? कांग्रेस रो काम केड़ा रे आईया कौन सो पड़े ही है खाडा पे खाडा पड़े ही है खाडा। तो कांग्रेस को मतलब पांच साल में बाड़मेर विधायक मेवाराम जी केड़ो काम कीनो थारे? हमारे हाथ सर में जी तो थारे अली जी था, अली जी केड़ो काम करियो? कहीं नहीं करियो। हां तो ही थारो मन कांग्रेस में है? थारो यो मन करे को नहीं के हमके कांग्रेस बीजेपी छोड़ी नई पार्टी ले आऊं? पोता अनमा तो मतलब मुझे एक बात बताओ, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि दोनों कांग्रेस और भाजपा, ये कांग्रेस एक एक पांच साल कांग्रेस तो पांच साल भाजपा, दोनों से कोई तीसरी नई पार्टी ला? बिल्कुल बिल्कुल हम साथ हैं, क्यों नहीं साथ? यहाँ से वार्ड में से कैंडिडेट नहीं है, आरएलपी का, आरएलपी का कैंडिडेट यहाँ से प्रियंका जी है। घोषणा तो लोग पर कल हो, लेकिन वही है उनका इतना जान पहचान नहीं है। हम ठाकुर हुआ करो, उनकी जान पहचान लोगों को समाज से भी याद है? बिल्कुल बिल्कुल इस साइड नहीं है। वो तो धीरे धीरे नेता धीरे धीरे हम चाहते हैं गाड़ू जी, हम चाहते हैं कि तीसरा मोर्चा ही लेके आए हम। क्यों ऐसे नहीं हो सोचते आपके कोई नया आदमी लाए तो काम वाम ठीक हो? तो बात सही है, लेकिन तो साथियों ये मैं कवास में अभी बैठा हूँ, इन युवाओं से बात हुई है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का माहौल उन्हें का बताया है, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रमेश जाकर। रमेश जी, रमेश जी कहाँ के रहने वाले हो आप? चित्र का पार बायतू विधानसभा। बायतू विधानसभा में, बायतू विधानसभा की क्या स्थिति है? बायतू विधानसभा में तीसरा फ्रंट हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। मेरे को एक बात बताओ, हनुमान बेनीवाल आए ना यहाँ पर, इन्होंने अपना एक तीसरा मोर्चा खोला है ना, उसके बाद राजस्थान में क्या अंतर है, मतलब क्या हुआ है नयापन? सही मायने में हनुमान बेनीवाल ने लोगों को राजनीति करना सिखा दिया। एक समय था जब कोई भी राजनेता एक गांव में दो या तीन लोगों से जुड़ा रहता था, जैसे ही हनुमान बेनीवाल की रालोपा पार्टी बनी, उससे लोगों में एक डर हो गया कि अगर हमने काम या विकास नहीं करवाया तो लोग तीसरे पार्टी की ओर जाएंगे, अधिकारियों में और अधिकारी हर तबका, सरकारी कर्मचारी हो या राजनेता हो कोई भी हो, उनमें ये रहा कि तीसरा फ्रंट का राजस्थान में उदय हो जाएगा और कांग्रेस बीजेपी का माहौल हो गया, कांग्रेस बीजेपी का जो पांच पांच साल का एक सत्ता का खेल था वो टूट जाएगा। तो अब आप क्या चाहते हो, कोई नया चेहरा लाना चाह रहे हो? अगर एक डर रहे, डर के बगैर कोई भी कानून हो कुछ भी हो हर चीज में एक डर होता है, तो तीसरी पार्टी आएगी तो कांग्रेस और बीजेपी सही काम करने लग जाएंगे और हर आम जनता से जुड़ाव करेंगे, फायदा होगा। तो अब की बार भाई तू विधानसभा में क्या मतलब सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा है जिन पर उम्मीदवार राम जी, बालाराम जी और हरी जी तीनों वोट मांग रहे? जैसे पहले विधायक थे, ये एक होता था जिस पार्टी का आदमी होगा उसका काम होगा। उम्मीदवार राम बेनीवाल ने खुद की जेब से अपने शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट स्कूल है वगैरह जो भी काम किया, बाकी जो भी पहले थे सारे बीजेपी के थे, कांग्रेस के थे, उन्होंने सिर्फ अपने लोगों का काम किया। तो अब की बार क्या स्थिति रहेगी भाई तू क्षेत्र में? अब की बार 15,000 से 20,000 वोटों से उम्मीदवार राम बेनीवाल विजयी होंगे। उम्मीदवार राम जी इससे पहले 2018 में जब चुनाव लड़े थे ना, उस समय कौन से नंबर पे रहे थे? दूसरे नंबर पे। नया सहरा था, लोगों को भरोसा नहीं हुआ, लोगों को ये नहीं पता था कि ये इतने वोट ला सकता है,
अब एक दूसरे नंबर पे आए तो हर लोग उनसे जुड़े। तो धन्यवाद साथियों, एक बार इस पोस्ट को शेयर कर दो। कवास के युवाओं से बात हुई है, इन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर क्या बताया है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत माता।